हेलो गाइस, मैं इमरान अजमेर से। आज ये देखिए अजमेर का हाल क्या चल रहा, पानी बारिश का। अभी जा रहे हैं हम झरने की तरफ। भैया सामने जो दिख रहा पहाड़, तारागढ़ का पहाड़ है। और अभी हम थोड़ा रास्ता दिखाएं। अभी हम गुजर राजू होटल के यहाँ से, ब्यावर रोड से सोमलपुर गांव से होते हुए फकीरागढ़ होते हुए जाएंगे ताकसिया रोड पर। भटका दिया हमारे को यहाँ पर झरना पूछते पूछते। अब बोला कि पता नहीं कहाँ जाना हमारे को, कीचड़ों में से होते हुए। अजमेर में 4 या 6 दिन से लगातार बारिश है और मौसम का मजा ले रहे सारे, सब काम धंधा बंद कर रखा सबने। मतलब मजा लो बस, पूछ इससे पूछ। झरना नाले के ना गिरते हुए ये है तकीना की सरकार की, जो कहते हैं ताकसियत से भी के नाम से भी फेमस है। और तारागढ़ सामने दिख रहा है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है। ये पानी आ रहा है, ये हमारा पहलवान है जिम का। वो देखिए वो झरना बह रहा है उधर सामने, वो दिख चुका है। और अभी हम जा रहे हैं इधर से ताकसियत की ओर, पर ताकसियत पूरा नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये झरना पीछे ही पड़ेगा, आगे रोड खराब होगा। और ये हमारा साथ वाला आ रहा है। मोबाइल वाटरप्रूफ भाई, झरने में मजे लेने जा रहे हैं पैदल पैदल। और जिसने हमारी पुष्कर वाली वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, वो थोड़ी बारिश के 1-2 दिन पहले की थी। और ये बारिश चालू है तो झरने भी मस्त देखेंगे। अभी आगे जाके देखते हैं कीचड़। ओह पानी भर रहा तालाब। चाय चाय आ गई है, वो यहाँ पे बनी हुई है वीडियो, यहाँ से रखी है। वो देखिए सामने झरना दिख रहा हमारा, वो बह रहा। बस भाई हो गया एक्साइट बिल्कुल, ये नहाने के लिए तैयार है ना, छोटो मस्त। वही मंदिर बना दिया यहाँ पर। और मौसम देख सकते काफी शानदार मौसम हो रहा है। ये हमारी टीम आ चुकी है, वो पहले लोग काफी पहुंच चुके। वो देखिए झरना, आय हाय क्या झरना बह रहा ऊपर। अभी वहीं जाने वाले हम चढ़ाई पार करके। चीज है भाई कैसा लगा, मस्त। ये रास्ता नहीं है भाई इधर से, ये देखिए झरने का पानी आ रहा है, यहीं नहा लो बस।
इसको तो यहीं सुला दे, नहला दे यार। नहीं नहीं ये रास्ता जा रहा ना, ये देख बनी हुई ना पगडंडी। झरने की ओर जाते हुए ये छोटू भी मजे करना है। ये ताकसियत जो हमने उस टाइम दिखाया था पुष्कर का, वो अलग वीडियो था, ये अलग वीडियो भाई। हम उस दिन इसके पीछे तकीना की सरकार की दरगाह है और वहाँ पर काफ़ी अपना अंदरकोट से भी रास्ता आता है उधर का। और ये जो झरना दिख रहा है देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा दूर से ही। मनाली मसूरी इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे मज़े हम यहीं ले रहे हैं अजमेर में ही। फाइनली हम पहुंच चुके झरने के ऊपर, ये देखिए काफ़ी कितना शानदार झरना बह रहा है। ये देखिए वहां धूप आ रही है, एक मिनट। हाँ अब ये चट्टाने पार करके ऊपर जाना पड़ेगा हमारे को, अब वहीं देखेंगे क्या हो रहा है, क्या मामला है। इसके लिए चाहिए फिटनेस, जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं फिटनेस करो, फिटनेस करो, जिम करो, वर्कआउट करो। ये देखिए नज़ारा, देखिए नज़ारा शानदार। और अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, मेरा शानदार झरना और ऊपर से भी दिखाएंगे हम अपने। और ये पूरा शहर देखिए यहाँ पर, ये शहर हमारे साथ वाले। हाय हाय कितना ऊपर आ गए। पहाड़ों पे चढ़ने के लिए चाहिए फिटनेस। देखो कहाँ पहुंच गए, काफी ऊपर आ गए। ये देखिए दिख रहा है कितना ऊपर हम, बस एक वीडियो बनाने के लिए। घूमना फिरना जरूरी है, एंजॉयमेंट। आराम से चलो, आराम से चलो, चलते रहा यार। झरने पर आ गए ऊपर, ये देखिए मस्त ठंडी हवा, पूरा अजमेर शहर। भीड़ हो रही ऊपर, कम है पानी यार, बारिश नहीं जो। सांस फूल गया, वीडियो डाल देगी सारी फेमस। ना आएगा तो वो ना हो, ना मजे करके करो। जो भी मेरे चैनल पर नया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये तारागढ़ की पहाड़ी है, ये जो झरना दिखाया था पहले वो झरना है, ये वाला, बस इसके आगे नहीं जाना है।
आगे जाओ, आगे आगे ही बोल रहा हूँ, आगे भी देख के आओ। आगे सर रिसर्च करके आओ यार, अरे बोलो कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे। सुन आएंगे सब, नहीं हम भी सोहेब का गया। सोहेब ये ऊपर से पानी आ रहा पहाड़ों का, ये आज पानी कम है, और एक छोटी सी वीडियो लगा दूंगा उसके अंदर जो अच्छा पानी आ रहा था कल एक दो दिन पहले। ये हमारे साथ वाले तैयार हो चुके हैं नहाने के लिए। देखिए बॉडी देखिए हमारे पहलवान की, मुन्ना तैयार है नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए। ये देखिए कितना ऊपर हम, ये वहां पर रिटर्न जा रहे हम, ये दूसरा रास्ता है। पहले खड़ी चट्टानों में चढ़ गए थे, ये पानी का रास्ता है, अभी तो पानी है नहीं इधर, ये जब बारिश आएगी जभी पानी बहेगा। यहाँ से तो चढ़ नहीं पाता यार इतना जल्दी, पहाड़ चढ़ गए सारे, नीचे वाला झरना अच्छा है वाला। अरे कितनी दूर लग रहा हूँ, हाँ हाँ वो चढ़ रहे ना वो चिकनी चट्टाने हैं और अभी उधर से उतरना वो नहीं था ना क्योंकि चिकनी हो गई पानी गिर गया ना बारिश से इसलिए। अभी देखेंगे कौन सी है, टैग कर दी मुझे, मैं डालूंगा फोटो तेरे उस पर। जहाँ से हम चढ़ के गए थे वो देखिए हमारे छोरे चढ़ रहे और झरना पीछे। अब पीछे से लंबा रास्ता लेके आए हम क्योंकि रास्ता जाना ही सही जगह क्योंकि बारिश का मौसम है और अगर पैर फिसल गया तो खाई में जाएंगे नीचे। वो देखिए झरना, शानदार झरना बह रहा ऊपर से, मछलियां पकड़ दे खानपुरा तालाब कहाँ तक है, ब्यावर रोड की तरफ खानपुरा है उधर का तालाब है। पानी देख कितनी स्पीड से आ रहा है, ज्यादा होगा 12 फीट से यार, बहुत चौड़ाई ज्यादा है। मछली पकड़ रहे कबूतर के जाल से, वो देखिए वो आई 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 कबूतर की तरह जब मार दो ऊपर छपका कचरा आके फस रहा। तालाब है मछली का जाल लगा रखा भाई, इससे कबूतर ही उड़ा मछली नहीं आई। निकल गए
निकल गई। नहीं नहीं फंस गया, एक बार फंस गया। वो नागोरे है तो यार, नागोरे है तो मछली आ गई। अब गए झुंड से, करना देख।